नवादा डीएम एवं एसपी ने छठ महापर्व को लेकर विभिन्न घाटों का किया निरीक्षण, दिए कई दिशा निर्देश। नवादा से संजय वर्मा की रिपोर्ट। नवादा जिलाधिकारी आशुतोष कुमार वर्मा एवं पुलिस अधीक्षक अमरीश राहुल तथा उप विकास आयुक्त दीपक कुमार मिश्र ने मंगलवार को जिले के विभिन्न छठ घाटों का निरीक्षण किया और छठ महापर्व की तैयारियों एवं व्यवस्थाओं का लिए जायजा। इस दौरान उन्होंने सुरक्षा एवं व्यवस्था को लेकर दिए कई दिशा निर्देश। जिलाधिकारी द्वारा नारदीगंज के हड़िया छठ घाट, हिसुआ के तिलैया नदी घाट एवं नरहट के झिकरुआ सूर्य मंदिर छठ घाटों पर उपस्थित पूजा समिति के सदस्यों से वार्ता किए और आम लोगों से भी फीडबैक प्राप्त किया। उपस्थित अधिकारियों ने सभी प्रकार की आधारभूत सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अधिकारियों को दिए कई आवश्यक निर्देश। हिसुआ के तिलैया छठ घाट की सफाई तेजी से चल रहा था। डॉक्टर मनीष कुमार, कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद हिसुआ ने बताया कि छठ घाट पर व्रतियों के लिए व्यापक व्यवस्था किया जा रहा है। डीएम ने सभी छठ घाटों की साफ सफाई, बैरिकेडिंग, लाइटिंग, शौचालय, चेकिंग रूम के लिए कई आवश्यक निर्देश दिए। छठ घाटों पर प्रशासन के द्वारा बेहतर व्यवस्था की जा रही है। छठ व्रतियों और श्रद्धालुओं के लिए सभी प्रकार की आधारभूत सुविधा उपलब्ध रहेगी। इस अवसर पर डीएम एवं एसपी कला में उप विकास आयुक्त, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर एसडीएम अखिलेश कुमार, डीपीआरओ सत्येंद्र प्रसाद, कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद हिसुआ डॉक्टर मनीष कुमार, मुख्य पार्षद नगर परिषद हिसुआ पूजा कुमारी, अंचलाधिकारी लोकेश कुमार, समाजसेवी अशोक चौधरी, पवन कुमार गुप्ता, वार्ड पार्षद शोभा देवी, उदय बाला, शंभु शर्मा, सुधीर सिंह, गोपाल चौधरी, विनोद चंद्रवंशी, अजय कुमार आदि उपस्थित थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान टीवी और आज के आपके बीच में खड़ा हूँ नवादा जिले के हिसुआ प्रखंड के तमसा घाट। यहाँ लोग गया घाट के नाम से भी जानते हैं और तमसा घाट है और यहाँ शमशान घाट भी है और यहाँ छठ पूजा के लिए विशेष व्यवस्था किया गया है और यहाँ से जिला अधिकारी भी आए हैं और जगह को निरीक्षण किए हैं। क्या क्या व्यवस्था आज का यहाँ छठ व्रतियों के लिए क्या क्या व्यवस्था किया गया है? अलग से बोर्डिंग किया गया है नगर परिषद द्वारा और एक नई सीधे घाट बनी है, देख लीजिए, चंदन सिंह एमपी साहब द्वारा दिया गया है और पानी का भरपूर व्यवस्था रहेगा। मेला को भी एक साइड से किया जाएगा ताकि छठ व्रतियों को दिक्कत नहीं हो आने जाने में। और जो दिन भर मेला लगता है छठ के दिन, उसको सुचारू रूप से करने के लिए आगे बैरिकेडिंग किया जाएगा। चारों तरफ से बैरिकेडिंग करके कोई बड़ी गाड़ी नहीं घुसे इसमें, ऐसा व्यवस्था है। सबसे बड़ी व्यवस्था क्या है कि वो जल के यहाँ व्यवस्था नहीं है और जल को चालू करने के लिए 3-4 मोटर यहाँ लगा है, उसके द्वारा पानी पूरा व्यवस्था किया जाए। लोगों द्वारा कहा जा रहा है कि यहाँ पर बोरिंग का एक बोरिंग किया गया है जिससे लोगों को ज़्यादा असुविधा होने की संभावना है। पहले से भी दो बोरिंग है, ऑलरेडी पहले से दो बोरिंग है, वो सब चालू हो जाएगा। आज ही से पानी भरने का काम चालू हो जाएगा। और क्या क्या व्यवस्था है? और महिला लोग के लिए शौचालय एवं वस्त्र बदलने की एक व्यवस्था बनाई जा रही है, 8-10 चेंजिंग रूम रहेगा और 6 वो बाथरूम रहेगा। जी, आपका नाम? पवन कुमार गुप्ता, पूर्व वार्ड पार्षद का सांसद प्रतिनिधि। चाहेंगे कि आज जो व्यवस्था किया गया है सर, क्या क्या व्यवस्था किया गया है आज छठ व्रतियों के लिए? नगर परिषद हिसुआ अंतर्गत तमसा घाट बन रहा है। यहाँ छठ व्रती मतलब माताओं एवं बहनों के लिए साफ सफाई चल रही है और काफ़ी है शौचालय की व्यवस्था है, व्यवस्था में कोई कमी नहीं है। अभी आप देख रहे हैं कि हमारा जैसे भी चल रहा है काम से चालू है। नगर परिषद हिसुआ से मुख्य पार्षद, कार्यपालक पदाधिकारी, मुख्य पार्षद सभी वार्ड पार्षद बन गया है। ये लोग कहना है कि यहाँ मात्र बोरिंग एक है, बोरिंग किया जा रहा है
पानी की व्यवस्था है।